हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं पीएम आवास योजना का लिस्ट आ चुका है, वो आप लोग कैसे चेक करेंगे। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि नया लिस्ट है जिसमें आपका नाम है या नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आना होगा। यहाँ पर टाइप करना है VICKYINFO और टाइप करके यहाँ पर इसको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट पर जो वेबसाइट आएगा VICKYINFO.com, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण न्यू लिस्ट, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप स्क्रॉल करके नीचे जा करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको विज्ञापन आएगा, इसको क्लोज करना है। एंड यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम आवास योजना का न्यू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के तहत चयनित लोग सूची होती है। यह लिस्ट समय समय पर अपडेट होता रहता है। इस लिस्ट में बहुत से लोगों का नाम जुड़ते रहते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पीएम किसान ग्रामीण लिस्ट, दूसरा शहरी लिस्ट। लेकिन आज हम आपको ग्रामीण लिस्ट के बारे में बताएंगे। अब ग्रामीण लिस्ट का यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ग्रामीण लिस्ट न्यू जो है, यहाँ पर जिन लोगों का नाम आता है उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा न्यू ऐलान किया गया है, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जो ग्रामीण लोग हैं या पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं उन्हें लगभग 1,30,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी और मैदानी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 1,20,000 रुपये की धनराशि प्राप्त करने के निर्णय दी है। तो आपका नाम अगर इस लिस्ट में आता है तो आपको इतने रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण न्यू लिस्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए हम आप लोगों को, आप यहां पर आकर के पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर डायरेक्ट चेक पर चले जा सकते हैं। चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट से चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आप होम पेज पर, यहाँ पे ग्रामीण आवास योजना के। अब आपको यहाँ पे 3 जो लाइन है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे है 3 लाइन। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवास सॉफ्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट ऑलरेडी रहेगा PMGY रिपोर्ट, यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल्स वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको MIS रिपोर्ट देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जैसे जैसे कॉलम आएगा वैसे वैसे सिलेक्ट करना है। स्टेट आपको चूज कर लेना है, जो भी स्टेट है आपका। फिर आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रखंड चूज करना है, फिर उसके बाद आपको अपना गाँव, फिर उसके बाद आपको शहर साल चूज करना है। तो हमको 2022 से 2023 को देखना है। ठीक है, नया वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कैप्चा को टाइप कर देना है 66-20 यानी हो जाएगा कितना 46। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे आपके सामने रिपोर्ट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इस चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं, यहाँ पर आपको आना है यहाँ पे जो हम नीचे एक लिंक दिए थे डायरेक्ट वहाँ से आप आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए और फिर VICKYINFO.com पर, और यहाँ पर आप डायरेक्ट लिंक पर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आप पहुँचेंगे। ठीक है,
तो हम दिखा देते हैं आपको डायरेक्ट लिंक पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।